कश्मीर क्राउन की पेशकश कश्मीर आज आज फरवरी 2019 की दो तारीख दिन शनिचरवार कश्मीर क्राउन की पेशकश कश्मीर आज के साथ मैं हूं बशारत मुश्ताक। आइए सुनते हैं आज के हम सुर्खियां। टीचर्स फोरम की सदर अब्दुल कय्यूम वानी का इस्तीफा किया अपेक्स बॉडी ने मंजूर। अब्दुल कय्यूम वानी ने मिलाया पीडीपी के साथ हाथ, पार्टी प्रेसिडेंट ने किया खैर मकदम। बारामूला से पीडीपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सोपोर में पिछले 15 दिन से चोरी की कई वारदातें। गुज़श्ता रात के दौरान दो मोबाइल दुकानें लूट के ले गए। दुकानदारों ने किया इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाज। महकमे तालीम ने आज की आज़ादी हासिल। साबिका IAS ऑफिसर शाह फैसल का बयान। उन्होंने असातिज़ा कम्युनिटी और तालिब इल्मों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अब्दुल कय्यूम वानी ने कई सालों से महकमे तालीम को यरगमाल बना लिया था। बजट 2019 इंतखाबी साल में मुतवसित तबका के लिए 5 लाख रुपए तक आमदनी टैक्स फ्री। इस दौरान पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि हमने टैक्स दहिंदगान के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया। टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ। वजीर अजम नरेंद्र मोदी का दौरे कश्मीर। वादी पर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। SKICC की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर नाके और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात। जबकि आज दोपहर से ही बटियारी चौक से निशाद तक बिल्लीवाड रोड पर ट्रैफिक की नकल हमल पर रही पाबंदी। जम्मू श्रीनगर कौमी शोहरा आज तीसरे रोज भी रही ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद। शोहरा पर हजारों की तादाद में माल बरदार गाड़ियां दरमांदा। ताल के गुलबाग इलाके को आज फोर्सेज एहलकारों ने महासिरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। तलाशी कार्रवाई के दौरान फोर्सेज एहलकारों और मुजाहिरीन के बीच पुरतशद्दुद झड़पें भी पेश आईं, जिसके दौरान एक खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। सोपोर में कुछ दिन पहले हुए ग्रेनेड हमले में मुलविस अपराध गिरफ्तार। SSP सोपोर का बयान। गांधरबल के मारगुंड इलाके से वाबस्ता लोगों ने आज महकमे PDD के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन ने बताया कि इनका ट्रांसफार्मर पिछले एक महीने से खराब पड़ा हुआ है और मुतलक महकमे को इसको ठीक करने के लिए कोई भी इकदाम नहीं कर रहा है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के साथ ही कई अलहदगी पसंद लीडरों को घरों में नजरबंद कर दिया गया, जबकि साबिका MLA लंगेट इंजीनियर रशीद को भी घर में नजरबंद किया गया। फायर एंड एमरजेंसी महकमे के खिलाफ आज उम्मीदवारों ने किया जोरदार एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक उम्मीदवारों ने 2013 में भरे थे फॉर्म, पर आज तक इंतखाबी फहरिस्त इजरा नहीं की गई। मुजाहिरीन ने मुतलिक महकमे से मांग की है कि इंतखाबी फहरिस्त जल्द जल्द इजरा किया जाए। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम कर रहे मुलाजमीन की हड़ताल जारी। मुलाजमीन ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो लगातार एहतजाज करते रहेंगे। अगरचे पिछले 2 दिनों से वादी भर में मौसम में बेहतरी आई थी, ताहम महकमे मौसमियात ने 5 तारीख से भारी बर्फबारी की पेशगोई की है। और आखिर पर मौसम। महकमे मौसमियात की एक इतला के मुताबिक वादी भर में आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम खुशक रहने की इम्कान। इसी के साथ आज की सुर्खी इख्तिताम को पहुँचती है। मैनेजिंग एडिटर आशिक मीर, ऑनलाइन एडिटर फैसल नज़ीर, स्क्रिप्ट राइटर इरफान तिलगामी, अपने मेज़बान बशारत मुश्ताक और कश्मीर क्राउन की तमाम टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। कश्मीर आज मज़ीद खबरों और जानकारी के लिए राब्ता कीजिए www.kashmircrown.com पर। साथ ही साथ हम मिलेंगे आपसे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे बिल्कुल इसी नाम से। कश्मीर क्राउन न्यूज, कश्मीर क्राउन न्यूज, कश्मीर क्राउन न्यूज। आजाद सहाफत, मुनफरिद अंदाज और मुस्बत सोच के साथ कश्मीर क्राउन लेकर आया है दिन की तमाम बड़ी खबरें। खबर जहां होगा असर, सच जिम्मेदारी के साथ। सुनिए कश्मीर क्राउन पर, कश्मीर आज, कश्मीर आज, सिर्फ कश्मीर क्राउन पर।
کشمیر کراؤن پر. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں kashmircrown2@gmail.com, editor@kashmircrown.com. ہماری ویب سائٹ ہے www.kashmircrown.com. رہیے ہر خبر سے باخبر صرف کشمیر کراؤن پر. کشمیر کراؤن پر. کشمیر کراؤن.